हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत 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 सारा स्वागत है। तो सुबह के बजे हैं 6:30, अभी जग कर आई हूँ और करती हूँ आगे के काम। तो प्लीज वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलो करते हैं काम की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, अभी रूम में आ गई हूँ और बच्चे भी जाग कर हो रहे हैं तैयार, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी बाद में। पहले बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ और ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी पास्ता। पास्ता को बॉईल करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया है। इतने पास्ता बॉईल हो इतने में ये बिस्तर वगैरह सेट कर दूंगी। और मंदिर में, किचन वगैरह में झाड़ू लगा के पहले ही आ गई हूँ, क्योंकि फिर पूरे घर को साफ़ सफाई करने में तो टाइम लग जाता है। इस वजह से पूरे घर में तो अभी नहीं लगाई है, क्योंकि सर्दी का टाइम है और आजकल 6 बजे के बाद ही जगा जाता है। तो यहाँ पर बिस्तर को तो मैंने उठा दिया है और थोड़ी सी सेटिंग कर दी है। अभी किचन में चलते हैं और करते हैं आगे के काम। तो फ्रेंड्स, अभी किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर ये जीरा का पैकेट रखा हुआ है। अभी मैंने देखा है मसालदानी में और डब्बे में जीरा ख़त्म हो गया है, तो सबसे पहले डिब्बे में जीरा डाल के रख दूँगी, क्योंकि कई बार होता है ना, जब हमें ज़रूरत होती है तभी किसी चीज़ की हमें याद आती है। तो रखा हुआ था पैकेट तो मेरे पास, क्योंकि मैं एक कॉपी पेन रखती हूँ किचन में ही। जब भी दिखता ना ये सामान ख़त्म हो गया तभी लिख देती हूँ, क्योंकि एक साथ हम पर्चा बनाते हैं तो याद नहीं रहता इस वजह से। और ये छोटी सी सीजर, इसको भी किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को काटने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको भी चाकुओं के साथ किचन में ही रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सब्जियाँ कट कर ली हैं कुछ, क्योंकि मैं बनाऊँगी पास्ता, सब्जी वाला बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी डालते हैं तो पास्ता हेल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। पास्ते को मैंने पहले ही बॉयल करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी, गाजर, मटर, सारी चीज़ें अच्छे से कट करके रख ली है वॉश करके। और कढ़ाई पहले ही रख दी थी और उसमें तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद जीरा, हींग, प्याज, प्याज को जल्दी से फ्राई हो जाए उसके लिए यहाँ पर डाल देती हूँ हल्का सा नमक, क्योंकि नमक से प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी फ्राई हो जाती है। तो पास्ता बनाना है, पास्ता के लिए ब्राउन कलर की तो फ्राई करती नहीं हूँ, हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर होने तक ही फ्राई करती हूँ। उसके बाद सारी सब्जियाँ डाल ली हैं और थोड़ा सा नमक फिर से डाल लिया है, जिससे कि सब्जी जल्दी से पक जाए, क्योंकि सब्जियों को गलाना पड़ेगा और पास्ता तो पहले ही गला हुआ है क्योंकि उसको बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पर सारी सब्जियाँ डाल दी हैं, इनको ढक कर के पका लूँगी। 10 मिनट में हमारी सब्जियाँ पक के तैयार हो जाएंगी। तो अभी कर देती हूँ कवर और इनको बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्जी काफ़ी हद तक गल गई है। अभी इसको एक बार फिर से कवर करके पका लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने दोबारा से बर्तन को हटा दिया है, मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले में हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक और हल्की सी मिर्ची, क्योंकि पास्ता में बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची बच्चे नहीं खाते हैं और बेटा टिफिन में यही लेकर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ। सारे मसाले को डालने के बाद मैंने फिर से एक बार सब्जी को पका लिया है। यहाँ पर मैंने सब्जी को बिना पानी के ही पकाया है और पक ही जाती है सब्जी। जब सब्जी हमारी अच्छे से पक जाए, कुक हो गई है पूरी, तो मैंने डाल दिया है पास्ता। पास्ता को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और हल्का सा यहाँ पर गर्म मसाला फिर से डाल दिया है। और हमारा पास्ता 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे ये सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाए और पास्ता में मसाला लग जाए अच्छे से। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक पास्ते को अच्छे से फ्राई कर लिया है और हमारा बहुत ही टेस्टी सा पास्ता बन के हो गया है तैयार। क्योंकि बच्चों को ऐसी विशेष चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो मैं कभी कभी बना देती हूँ 10-12 दिन में। ज़्यादा तो बनाती नहीं हूँ मैदा की चीज़ें, क्योंकि बच्चों को नुकसान करती हैं। और बच्चे वगैरह तो जा चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने दोबारा से झाड़ू उठा ली है और पूरे घर में अच्छे से लगा कर ले आई हूँ। अभी ये रूम ही बचा है तो इसमें भी लगा लेती हूँ। वैसे तो देखो छोटा ही घर है, बहुत बड़ा तो है नहीं, लेकिन इस घर में ही करना होता है, उसी में काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, कर लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद पोछा बचा हुआ है, क्योंकि आज है पूर्णिमा
और पूर्णिमा का मेरा फास्ट होता है, और कल है थर्सडे बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार का भी होता है फास्ट। तो फ्रेंड्स परसों था मंडे, मंडे में भी था फास्ट, तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं और घर की साफ़ सुथराई करके ही करते हैं। जब साफ शुद्ध हो जाता है तभी पूजा वगैरह करती हूँ। और जिस दिन फास्ट होता है पूर्णिमा वगैरह, तो उस दिन तो पहले पूरा घर को साफ स्वच्छ करके तभी पूजा वगैरह करते हैं घर में, क्योंकि पूर्णिमाएँ में और अमावस्या को जो देवता होते हैं हमारे पितृ, उनकी भी पूजा वगैरह करते हैं ना। तो यहाँ पर तो है नहीं, क्योंकि मैं बाहर रह रही हूँ, तो यहाँ पर अपने पितृ तो है नहीं। हम जाते हैं अपने घर तो तभी हो के आते हैं, लेकिन उनके नाम की पूजा घर पर ही कर लेती हूँ। उनका नाम लेके पूजा कर लेते हैं, अमावस्या हो पूर्णिमा हो, तो उनका नाम लेके घर पे ही कर लेती हूँ पूजा। पूजा तो वैसे डेली करती ही हूँ, लेकिन जिस दिन फास्ट होता है उस दिन थोड़ा स्पेशली सी पूजा होती है ना। सत्यनारायण भगवान की कहानी वगैरह भी पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि नहीं देखते हैं कुछ लोग। बस अभी आ गई हूँ, और कल मार्केट गए थे तो ये वही सामान वगैरह बंधे हुए रखे हैं, बेसन है और आटा वगैरह, हाँ, मक्का बाजरा, वही सब लेकर आए हैं। वही सभी भी रखा हुआ है, इसको बाद में सेट करूँगी, पहले पूजा वगैरह का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो बज ही चुके हैं। वैसे तो सारे दिन एक औरत के लिए काम कभी ख़त्म नहीं होता, पूरे दिन घर में काम निकलते ही रहते हैं, क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट ही बना है और पूजा वगैरह में 11 साढ़े 11 हो ही जाते हैं। उसके बाद लग जाओ लंच में, लंच निबटता है 2-3 बजे तक, इतने से बच्चे लोग आ जाते हैं, उनका लंच वगैरह कराओ, शाम की चाय, फिर से शाम का खाना वगैरह। तो काम तो देखो सारे दिन चलता ही रहता है, लेकिन वही है ना कि 2-4 घंटे की वीडियो तो डालेंगे नहीं, 5-10 मिनट की भी पूरी नहीं देखते हैं सब लोग। तो यहाँ पर पोछा मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पूरे घर में लगा दिया था, किचन में सबसे लास्ट में लगाती हूँ पोछा साफ़ करके, और यहाँ पर पोछा तो हो गया है, और थोड़े से कपड़े वॉश करने हैं हाथ से। तो यहाँ पर ये मफलर है, वुलन यानी कि ऊनी मफलर है, उसके लिए मैंने इंची का पाउच कट किया है यहाँ पे, क्योंकि जो डब्बा था वो खाली हो गया है, तो पाउच पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने पाउच को कट कर लिया है, और इजी इधर उधर ना गिरे इसलिए मैंने एक गिलास ले लिया है, उसके अंदर पैकेट को रख लिया है, और कट करके पहले ही ले आई थी। और इसमें गर्म पानी नहीं मिलाया, हल्के से ठंडे पानी में ही इसको मफलर को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वुलन के कपड़े ख़राब हो जाते हैं गर्म पानी में। मफलर को तो वॉश कर लिया है, और अभी थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा पानी मिला लेंगे, जो डेली वेयर कपड़े होते हैं अभी वो ही वॉश करेंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, तो थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेते हैं तो गंदगी अच्छे से फूल जाती है, मैल निकल जाता है कपड़ों का, और कपड़े धुलने में भी थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ ठंडे हो जाते हैं तो कपड़े अच्छे से मले नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी मिक्स कर लिया है ठंडे पानी में, और अच्छे से डिप करके रख दूँगी 2-4 मिनट के लिए, और इनको मसल दूँगी, और हल्का गर्म पानी हो जाता है तो कपड़े धुलने में मन लगता है। तो थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स धुल लेती हूँ कपड़े, और उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। पूजा वगैरह की वीडियो तो मैं नहीं, यानी कि पूजा वगैरह की वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है, कहानी वगैरह पढ़ते हैं ना आज सत्यनारायण भगवान की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।